गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका अब्दुल्ला पेशेंट का सेकंड क्लास है। इसमें भी अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो टर्मोलॉजी बिल ऑफ एक्सचेंज में आता रहेगा बार बार। देखिए यहाँ बोल रहा है प्रेजेंट स्पेसिमेन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या फॉर्मेट होता है वो आपसे पूछ रहा है। लिखा है स्पेसिमेन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन बिलो। यहाँ देखिए कितने अमाउंट का आपने बिल बना रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए। ओके, फिर यहाँ लिखिए टू मंथ आफ्टर डेट पे टू उपेंद्र और माई ऑर्डर दिस सम ऑफ रुपीज 50,000 ओनली वैल्यू रिसीव। अब यहाँ पे जो ड्रॉयर है उसका साइन होगा, यहाँ पे जो ड्रॉई है उसका नाम और एड्रेस होगा। अब यहाँ पे उपेंद्र कौन है, राजेंद्र कौन है, क्या है और ओम प्रकाश क्या है, यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है। दी इन दी अबव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज राजेंद्र कुमार बनराल, ये क्या है बेटा, ड्रॉयर है जो बिल लिखा है। फिर ओम प्रकाश शर्मा, यहाँ पे जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड के नीचे साइड में, ओम प्रकाश शर्मा क्या है, ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब जिसके ऊपर आपने क्या किया बिल लिखा है। और यहाँ पे जो उपेंद्र लिखा है वो क्या हो गया, पे हो गया, मतलब उसे क्या करनी है, पेमेंट करनी है, मतलब राजेंद्र ने स्वयं ये क्या बोलते हैं ओम प्रकाश शर्मा को ऑर्डर किया है कि तुम उपेंद्र को 50,000 रुपया क्या कर दो, पेमेंट कर दो। ओके, ये आपका फॉर्मेट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे पांच टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा है, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्सर और एंडोर्सी, ये पांच टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए लिखा है स्टेट द पार्टीज रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कितने कितने पार्टी है। पर नॉर्मली जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि दे आर थ्री पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पर हमारे सेक्टर में भी इसी का भी पार्टी है, इसी के अंदर ही आते हैं। तो देखिए देयर आर फॉलोइंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर, ड्रॉई, पे, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। ड्रॉयर किसको बोलेंगे, ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज बिल, वह बंदा जो बिल लिखता है, मतलब पता से क्या हुआ, क्रेडिट सेलर, ही इज अ क्रेडिट सेलर और क्रेडिटर। ड्रॉई क्या हो गया, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, बिल लिखते हैं। तो ड्रॉइंग इज अ पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, बिल लिखते हैं। ही जनरली क्रेडिट बायर और डेटर है, ड्रॉइर क्या होता है, उधारी में परचेज करता है। ही हैज टू पे द बिल अमाउंट टू द पे ऑन द रिलेवेंट डेट, जो ड्यू डेट आता है आपके पास, जो रिलेवेंट डेट आता है बेटा, उस रिलेवेंट डेट में ड्रॉइंग क्या करता है, पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है पेई, पे क्या आता है, पे मतलब जिसे हमें पेमेंट मिल देने हैं, उसे डेट इज कॉल्ड पेई। ही इज अ पर्सन टू होम द बिल अमाउंट इज टू बी पेड, जिसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, जिसको हमें पेमेंट करना है उसको टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोलेंगे, पेई बोलते हैं। ही मे बी द ड्रॉयर हिमसेल्फ और द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉयर, वह तो बंदा जो होगा जो ड्रॉयर है या खुद ही होगा या ड्रॉयर जिसको दे दिया वो होगा। एंडोर्सर, पर्सन हु ट्रांसफर हिज राइट ऑफ पेमेंट, वह बंदा जो अपने राइट है पेमेंट करना ट्रांसफर कर दिया किसी, जैसे मुझे राइट है या ठीक है मुझे पेमेंट करना है, पर हमने इंडोर्स कर दिया किसी और को, तो मैं क्या हो गया, एंडोर्सर हो गया, जो इंडोर्स कर रहा है, इंडोर्सी, जिसके पेमेंट आपने क्या किया, एंडोर्स किया। इज ए पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स बाय द ड्रॉयर, ही जनरली द क्रेडिटर ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल। ओके, थैंक यू। देखो दिखता है यहाँ से, हुँ।